नमस्ते सस्त्रियाकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी पाकिस्तानी इन इंडिया, वीवीपुरम बेंगलोरो स्ट्रीट फूड। आइए मिलके देखते हैं जबरदस्त सा वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टाइम एवर पाकिस्तानी फूड ब्लॉगर इन इंडिया। अबे तीनो भाई यार, ये तो कोई अलग ही लेवल है भाई। भाई वो नहीं कहते, ये है खाने की विंडो शॉपिंग। हाँ जी भैया, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो आज मेरा दिन है दूसरा, नंबर टू इन बैंगलोर। बड़ा ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है। तो भाई आज मैं जाने लगा हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट इन बेंगलोर, और बेंगलुरु जो मर्जी आप कह लें, वीवीपुरम रोड। ये बड़ी फेमस है, आप समझ लीजिए दिल्ली में चांदनी चौक है, कराची में बंस रोड है, लाहौर में फूड स्ट्रीट है, तो यहाँ की यही फूड स्ट्रीट है। तो भाई अभी एक रिक्शा ऑर्डर किया है, तो आ रहा है ऑन द वे, तो हम जाएंगे, रास्ते की सैर भी कराएंगे। वहाँ पहुँच के बहुत ही मज़े के खाने हम खाने लगे हैं। मेरे चैनल को प्लीज़, अच्छा यार चैनल व्यू आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, पूरी सीरीज आने वाली है। समझते नहीं हो यार बात को तुम। तो मेरे साथ रहें, और आ गया वहाँ पे, आ गया मेरे साथ रहें और देखते रहें मोशी भाई व्लॉग्स। ये देखो भाई, ये बेंगलोर की मोहब्बत है। क्या नाम है? युवराज। अबे ये वो छह छक्के वाला युवराज याद है? छह छक्के, अरे ये वाला बताओ भाई। आपका? सुनील। सुनील सुनील सेठी। अरे सुनील सेठी। और मैथ्यू। मैथ्यू एंजेलो मैथ्यू। अबे तीनों भाई यार, ये तो कोई अलग ही लेवल है भाई। इसको कौन से है? मोशी। मोशी भाई। मोशी भाई। मोशिन खान। मोशिन खान। तो भाई मोशी भाई व्लॉग देखना, मोशी भाई व्लॉग, ठीक है? अभी रक्षा आ गया है, इस रक्षे में जा रहे हैं वीवीपुरम रोड। यहाँ पे हर राइड पे पेन होता है भाई। हो गया, हो गया, ठीक है। 5 किलोमीटर, 25 मिनट में 5 किलोमीटर भाई। बस रुकी हुई है लोग, बल्कि यहाँ स्कूटी पे, तो उन्होंने स्कूटी पार्क करके बीच में से कुछ चीजें वीजें निकाल के थोड़ा इस्तेमाल करके वापस रख दी। अब रीजन नहीं मुझे पता, ट्रैफिक ज्यादा। भैया बेंगलोर की सड़कों पे रवा दवा, हम जा रहे हैं वीवीपुरम रोड, और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का व्लॉग होने वाला है। प्रॉपर साउथ इंडियन डिशेस खाएंगे, टेस्ट करेंगे, फिर आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। दोस्तों बेंगलोर की खूबसूरत सड़कों की सैर करते हुए रास्ते में हमें रिक्शे वाले भाई ने बताया कि ये विधाना सुधा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इवनिंग हो गई है, काफ़ी ज़्यादा इवनिंग मतलब सूरज नीचे आ गया, तो एक पुराने एरिया की तरफ आ गए हैं। तो 5 किलोमीटर हमने तकरीबन जो लास्ट है वो 25 मिनट में कम्प्लीट हुआ है। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर वीवीपुरम रोड, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भैया। तो भाई सफ़र जितना लंबा था मैं इन्जॉय भी उतना ज़्यादा ही कर रहा था। रास्ते में जाते हुए तारीखी इमारतें, कलरफुल बिल्डिंग्स और बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनली जी हम पहुँच गए वीवीपुरम रोड, फेमस बेंगलुरु की, कर्नाटका की वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट। ये देखें भैया, ये फूड स्ट्रीट है भाई। ओ याद खाने, पहले हम थोड़ा सा विज़िट करेंगे, फिर आपको यहाँ पे खाबे शाबे टेस्ट करके बताएंगे।
अबे यार ये डिशेस देखो कितनी ज्यादा है भाई, एक मिनट मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 से जरा दे दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई क्या क्या खाए बंदा, अभी हम विजिट करते हैं और फिर खाएंगे, पहले देख तो लेना क्या क्या है। ये तो एक दुकान के लिए आपको एक महीना चाहिए, आ जाओ। और ये बड़ा ही खूबसूरत एक मंदिर है, देख सकते हैं अंदर लोग बैठे हुए हैं, अंदर लोग भी बहुत ही खूबसूरत देख रहे हैं, एक व्यू आपके सामने फूड स्ट्रीट के सामने, क्या बात है, अंदर काफी लोग बैठे हुए हैं, चले वाह क्या जबरदस्त है। न्यू फेमस गोल गप्पे ये भी ट्राई करेंगे भाई, ये तो पूरी फूड स्ट्रीट है भाई, ये तो चांदनी चौक वाला हिसाब है। ये देखो उसने अपनी स्क्रीन पे तस्वीर भी लगाई हुई है, कोई बड़ा ही फेमस बंदा लग रहा है, क्या बात है। इसके पास भी अच्छा वो ब्लॉगर है, देख वो देखें ब्लॉगर श्लॉगर हैं ये, तो लोग आते हैं इनके पास इंटरनेशनल, तो हम भी इंटरनेशनल ही हैं भाई, जाएंगे फिर देखते हैं आ जाए। ये देखें मुंबई बादाम मिल भाई, वो नहीं कहते ये है खाने की विंडो शॉपिंग तो खाने की विंडो शॉपिंग करते हैं और फिर कुछ चीजें ट्राई करेंगे, एक ट्रिप पे तो बहुत मुश्किल है भाई। ये कोई फ्रूट जूस की शॉप है, डेरा सागर, इसका भी नाम सुना है मैंने, आ जाओ। ये पता नहीं क्या है, ये क्या भैया वड़ा पाव, पाव भाजी, कितनी आगे तक है ये स्ट्रीट, थोड़े नाल दे गल कर सकते हैं पंजाबी, साडे पंजाबी भाई सरदार भाई है तो पंजाबी तो बोल सकते हैं, साडे नाल मौजूद ने जी सरदार भाजी, की नाम है भाजी, गुरप्रीत सिंह, गुरप्रीत जी सत श्री अकाल भाजी, ते भाजी दसो इस स्ट्रीट से पहली बारी आए हैं ते शायद आखिरी बारी इत्थे आए हैं, की खाइए, असि आप पहली बारी आए हैं, अच्छा बट पहला वीडियो देखे होने मतलब केडियां थावां ने विचार लिखी ओल्ड लिस्ट, हां हां जो ट्राई करनी बनती है, ए इक वे है की जी श्री स्वामी पकौड़े ने तरह तरह पकौड़े की रिव्यू दियो जरा थोड़ा जा, ये डिफरेंट एक तो है पाइनएप्पल पकौड़ा, अच्छा बड़ा अजीब जैसी मतलब आई जस्ट ट्राइड टू बी श्योर दैट आई डोंट लाइक इट, मतलब मैंने पता सी पसंद नहीं आने वाला, नहीं आया पसंद, मतलब मीठा खांदा नहीं मैं ज्यादा, मतलब वैसे ठीक है, अच्छा मीठे पकौड़े पंजाब पाइनएप्पल का पकौड़ा, पाइनएप्पल हो यस ठीक, चलो टेस्ट तो करने ना बनता है, जरूर बनता है, चलो चलो ठीक है। एक थावे दूजी वो जेड़ा होटल पीछे लग गया है, हां हां वो भी कोई लेडी ऑपरेट करते हैं, वो भी काफी पॉपुलर है, पॉपुलर है, तो एक एंड ऑफ द स्ट्रीट वीबी बेकरी बोल के हां उठे है, उठे भी मतलब ये तीन थावे ने विचार लाइक द ओल्डेस्ट जॉइंट्स इन दिस एरिया, बाकी सारे थे हुन नवे नवे जमे आ गए ने भाई ना, क्योंकि लोकी आना शुरू कर चुके ने, ते असी भी बार दे ने अभी बार तो आए ने, ते हुन जो भाजी ने कहया वो ट्राई करांगे, ठीक है भाजी, चलो जी सत श्री अकाल, स्ट्रीट तो आगे तक है, अब ये व्यू हो गया, हां जी भैया हम बीचों बीच मौजूद हैं बीबी पुरन रोड पे, तो यार आप एक्साइटमेंट मेरी देख सकते हैं, चारों तरफ गहमा गहमी खाबे शाबे, लो हर बंदा बिजी है आना जाना, तो भाई एक हम नेक्स्ट स्टॉप पे रुके बीबी पुरन पे, वो देखें हम ऊपर दर्श किचन, कितने व्लॉगर आए हैं वहाँ पे, और चलो कोई पता नहीं अपनी वीडियो भी चल रही हो, अगर आप लोगों ने चाहा तो सब्सक्राइब किया लाइक किया तो कोई पता नहीं अपनी वीडियो भी वहाँ पे चल रही है, तो इनके पास बहुत बड़ा यहाँ से लेके वहाँ तक है बहुत बड़ा मेन्यू है भाई, तो मैंने कहा यार 2-4-5 आपकी बेस्ट चीज़ें हैं वो आप हमें टेस्ट करवाना, तो हम ऑनर से बात करते हैं फिर बताते हैं क्यों स्पेशल है क्या सीन है ये, तो आ जाए मेरे साथ भाई, ये ऑनर है बिजी दुकान के, तो इनसे बात करते हैं, भैया क्या नाम है, एक दिन के लिए आए पहली और आखिरी दफा, नहीं खाते तो रसगुल्ला चाट खाइए, चटपटा में खाते तो नेचोस खाइए, स्पेशल चाइनीज आइटम में बहुत सारी हमारी आइटम है, चलो हम 2-3 चीजें इनकी ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं कुछ लोगों से, हमारी स्पेशल है नाइट्रोजन स्मोक आइसक्रीम है, नेट ड्रैगन ब्रेथ और रोलर कोस्टर आइसक्रीम है, और तवा पेन आइसक्रीम, ये सब लेटेस्ट आइटम है, न्यू लंच हुआ है अभी, अच्छा सब न्यू लंच हुआ है, चलो एक रसगुल्ला चाट, रसगुल्ला कभी सुना नहीं चाट क्या होती है, रसगुल्ला चाट
एक नाचो, एक नाचोस और एक वो जो है बास्केट चाट के साथ एक स्मोक खाइए। आइसक्रीम अभी नहीं, वो कुछ और आप ये दो खाइए पहले। चलो ठीक है, ये दो खाते हैं। ये देखो ऑनर कितना ऑनेस्ट रहने का, दो खाओ फिर बाद में तीसरी बात करूंगा। बहुत बड़ा इनका वो है भाई, जो मेन्यू है यहाँ से लेके वहां तक। अच्छा भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने हर चीज का ना देखें एक वो सैंपल रखा हुआ है, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये चीज। तो ऐसा नहीं है कि आप खा के चेक करें क्या चीज है, रियल इन्होंने सैंपल रखे हुए हैं हर चीज के। देखें समोसे हैं, ये है चाट है, वड़ा पाव है, ये देखें वो लाइन से चीजें रखी हुई है, तस्वीरें भी हैं, प्राइसेस भी है, हर चीज की बड़ी मुनासिब प्राइस है। बीचो बीच है ये वीवी पुरन रोड के, तो कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। वाह भाई, टिक्की रसगुल्ला चाट भाई, पहली दफा खाने लगे हैं। तिक्की रसगुल्ला चाट पहली दफा ऐसी चाट खाने लगे हैं जो कि मीठी है, खा के देखते हैं। मेरा कहना रसगुल्ला डाल के चाट वाले इंग्रेडिएंट्स ही हैं, तो खा के आपको बताते हैं। बड़ा ही अलग सा टेस्ट है, एक और खाने दे फिर बताता हूँ। मिठाइयों में रसगुल्ला मेरा पसंदीदा नहीं है वैसे भाई, उसने ये दे दिया, क्या करें, तराजू बन गया। इसको ऊपर रखते हैं और अब ये खाते हैं। तो भाई टेस्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन वो जो कह रहे हैं भाई बेस्ट आइटम है उसका मुझे पता नहीं है। वन टाइम के लिए ठीक है, 5 out of 10। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट है ना इधर उधर, उसके नंबर हैं सर। लो भाई स्पेशल नाचो दर्श किचन वालों के फरमाइश पे, इसमें इसने ये देखें ऊपर एक ऑलिव डाला हुआ है, सॉस है, चाट वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये इन्होंने कहा भी हमारे स्पेशल हैं, खा के देखते हैं कि क्या इसमें स्पेशल है। थोड़ा सा ये डालते हैं ऊपर सब्जियां वब्जियाँ। वो इतनी चीजें हैं कि जाने वाला भी खा नहीं रहा। ये भाई मेन बंदा ये है, हाँ सही है ये, कैसा है, क्या बात है यार। ये कैप्सिकम के साथ इसका बहुत ही भला टेस्ट आ रहा है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। कैप्सिकम है, सॉस है, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, उसके साथ नाचोस मैंने पहली दफा खाए हैं। बेंगलोर में सबसे ज्यादा ये हो रहा है कि फर्स्ट टाइम टेस्ट बर्ड्स जो है ना वो चीज महसूस कर रहे हैं। तो भाई बास्केट चाट ये भी कोई इनकी चीज है, बेसिकली ये बास्केट सी बनाई हुई है छोटी छोटी, बड़ी क्यूट सी, इनके अंदर चाट होती है। हैं भाई ट्राई करोगे? कोई नहीं, ट्राई करो यार, आप भी बताओ। अरे अरे ट्राई तो करो यार, छोड़ो यार, हाँ खाओ जरा फिर रिव्यू दो। आपने खाया हुआ है पहले? कौशल नाम है मेरा। कौशल भाई, कौशल, कौशल भाई कब से आ रहे हो, कहाँ से हो? मैं बॉर्न इधर का है। हाँ बेंगलोर का ही है भाई, बेंगलोर। मैं पहली दफा आया हूँ बेंगलोर। अच्छा अच्छा, पहली दफा यहाँ आया। तो कैसा है? अच्छा है, ये पूरा स्ट्रीट बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे फेमस है खाओ गली नाम है। खाओ गली, वो वीवीपुरम कह रहे थे कौशाल भाई के पास हम ये खा रहे हैं पहली दफा जिंदगी में। स्पाइस जी, एक्चुअली ये चारों अलग अलग फ्लेवर आएगा। हैं? I think so. तो आपकी स्पाइसी नहीं थी? नहीं थोड़ी थी। वही थी क्या? भाई मैं समझ रहा मीठा। तो भाई बास्केट चाट की प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी थी, और वैसे मुझे देख के लग रहा था ये मीठी होगी, लेकिन वो मीठी बिल्कुल नहीं थी और काफ़ी स्पाइसी थी, तो शायद इस वजह से मेरी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट थी उससे।
और क्या सजेस्ट करते हो, क्या खाएं? यहाँ पे आप दाबेली ट्राई कर सकते हो। दाबेली कहाँ है? आगे वहाँ पे वहाँ भी खाते हैं। चलो ठीक है। बाकी आप उसका एक पनीर रोल आता चाइनीज कॉर्नर का, चलो भाई रोटी के अंदर डाल के। अभी इन्होंने पनीर रोल का है वो खाते हैं जाके, ठीक है? रुमाली रोटी के अंदर डाल के, हाँ बहुत अच्छा। चलो ठीक है, थैंक यू कुशाल। मेरे दोस्तों का फेवरेट। अच्छा, चलो आपका फेवरेट खाते हैं। और बाकी उसके बगल में एक वो मिस्टर ड्राई फ्रूट है ना। हाँ हाँ हाँ, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक मिले। अच्छा चलो, वो भी खुशहाल भाई के जो फेवरेट चीज़ें हैं वो हम खाने जा रहे हैं, ठीक है? तमिलनाडु की बड़ी ही अच्छी एक फैमिली, सो इनको हिंदी उर्दू नहीं आती तो इनसे थोड़ी इंग्लिश में बात करेंगे। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? या आई एम रियली गुड, थैंक यू। सो आई एम हियर फर्स्ट टाइम, आर यू अ फर्स्ट टाइम? इला आई एम सेकंड टाइम, आई एम स्टेइंग इन माय सिस्टर्स होम। आई हैव आई एम इन द सेम हॉलिडे, सो आई एम कमिंग टू दिस वेकेशन। दिस वेकेशन, ओके, दिस इज माय फर्स्ट टाइम हियर। व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर मी टू ईट, बिकॉज़ आई हैव ओनली वन डे हियर and probably I want or... I try this I try just I don't know you don't know the I don't know oh, this okay. I just तो इनका भी एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं था, वो भी मेरी तरह वीवीपुरम फूड स्ट्रीट को एक्सप्लोर कर रहे थे। ये देखो फूल होती है क्या? जैस्मिन, अबे वही, ये देखो भाई, ये भाई अगर वीवीपुरम आओ तो आपसे फूल खरीदे हैं। कितने का है? 8 का 60। दिखाओ जरा, एक काकड़ क्या है? अच्छा ये, अच्छा लड़ी, अच्छा। क्या नाम है भैया? संतोष भाई से फूल खरीद रहे हैं भाई। क्या बात है जी, बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग था मुशी भाई का। और आज थे वो वीवीपुरम बेंगलोरो, एक स्ट्रीट फूड मार्केट में, खाओ गली जिसका नाम है। और वहाँ उन्होंने दो तीन चीज़ें ट्राई करी हैं, लेकिन आज उनका वो वाला ना निकला नहीं है। वो फुकरे मूवी वाला जो मोटू है ना, वो करता था उसका टेस्ट अलग होगा। अभी हम जब कभी जाते हैं यहाँ अपने पंजाब से थोड़ा सा निकलते हैं ना, इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे, तो यकीन माने खाया ही नहीं जाता ऐसा अच्छा बनाया होता है उन्होंने। उनके हिसाब से तो वो बहुत ही लजीज होता है, लेकिन हमारे तो वो गले से उतरता ही नहीं है। कई जगहों पे ऐसी भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन इंडियन जो फूड है, वैरायटी है, वो देख के ही लग रहा था यार, मुंह में तो ऐसे ही एम ही पानी आ जाता है। प्रेजेंटेशन को बाल की थी, वीडियो देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। अब कभी खाएंगे तो पता चलेगा कि भाई हकीकत में क्या है। जैसे वो बास्केट चाट उन्होंने वो ऑर्डर की, वो चार उन्होंने बास्केट चाट उन्होंने दी, वो चार बास्केट थी, तो वो भाई बता रहे थे कुछ चारों का टेस्ट जो है वो अलग अलग है, यानी कि कुछ स्पाइसी है, कुछ हल्की स्पाइसी है, दूसरी दो का टेस्ट और है। वो जैसे वो कह रहे थे मेरे वाली तो स्पाइसी, आपके वाली भी स्पाइसी वगैरह कम स्पाइसी है, चारों का टेस्ट अलग अलग है। ऐसे वो मोशी भाई समझ रहे थे कि ये मीठी होगी, लेकिन वो स्पाइसी थी, तो इसलिए उनकी जो है ना ओए तो भाई बिल्कुल जी, रसगुल्ला चाट थी, मुख्तलिफ चाट थी, जबरदस्त चीजें थी वहां पे, स्ट्रीट थी वहां की चीजें, हर किसी की अपनी अपनी। देखें अब ये देखें आइटम्स कितनी है वहां पे, कमाल की आइटम। वो एक शॉप पे 72 थी, हमने तो वो चांदनी चौक वाला जो फूड स्ट्रीट है वो ज्यादा देखा, तो वहां की आइटम्स कमाल है। तो यहाँ पे जो है बेंगलोरो में भी अच्छा, वो जो दिल्ली वाला या मुंबई वाला टेस्ट है ना, वो सेम लाइक पाकिस्तान, जिस तरह हम पंजाबी लोग यहाँ फैसलाबाद लाहौर गुजरांवाला का टेस्ट है, ऐसे वो ऐसे ही लगता है कि यार ये वो वाला टेस्ट है। और साउथ का थोड़ा सा हटके हो जाता है, और वो देखिए वो तो अब जुबान का जायका है ना, किसी को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, तो किसी को जो फर्स्ट टाइम खाएगा थोड़ा सा, जैसे आज मुशी भाई का लग रहा था कि आज उनकी एक्सप्रेशन के वो एक मीठा समझ रहे थे, वो स्पाइसी था, और जो स्पाइसी नहीं था उसको मीठा। चले खैर जी, बहुत ही जबरदस्त व्लॉग, मजा आ गया देख के। और नहीं तो हम इंडियंस व्यूअरशिप देख रहे हैं,
इंडिया के लोग, इंडिया के प्यारे प्यारे लोग, उनकी गलियां और क्या जबरदस्त एनवायरनमेंट है जहां पे लोग इजीली आसानी से और मजे से खाते भी हैं, पीते भी हैं और लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।